ले जाकर टीचर ने बड़े ही अच्छे ढंग से हम बच्चों को पृथ्वी के आसपास के वायुमंडल के बारे में बताया। बहुत सारे पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियों को सुनाकर दिखाकर विमानों की जन्म कथा भी सुनाई, जो बहुत ही रोचक थी। जिज्ञासा और बढ़ गई। अब हम सोचने लगे कि इतने बड़े बड़े विमान आखिर उड़ते कैसे हैं? तुम्हारी जिज्ञासा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। तुम्हें पता है 1902 में खगोल शास्त्र के एक वैज्ञानिक सिमोन न्यूकॉम ने यहाँ तक कह दिया था कि भारी मशीन को हवा में उड़ाना भले ही असंभव न हो, पर यह बेमतलब की और अव्यवहारिक सोच जरूर है। और तुम्हें पता है कि उसके ठीक एक साल बाद ही ट्राइड भाइयों ने उनके इस सोच को सिरे से गलत साबित कर दिया। आज हम हवा से भारी मशीनों को पृथ्वी के वायुमंडल में उड़ा सकते हैं और चांद पर ही नहीं दूसरे ग्रहों पर भी भेज सकते हैं। चलो ये एरोस्टेट्स हैं। ये हवा से हल्के होते हैं और हवा में उड़ने के लिए उछाल वाले बल का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह पानी में तैरता लोहे का जलयान। ये एरोडाइंस कहलाते हैं। ये हवा से भारी होते हैं और हवा में उड़ने के लिए किसी ऐसी युक्ति का प्रयोग करते हैं जिससे हवा या गैस को नीचे की तरफ दबाकर अपने भार के बावजूद वे हवा में उड़ सके। यानी वायुयानों के दो मुख्य भाग हुए, एक एरोस्टेट्स और दूसरा एरोडाइन। वैसे एरोडाइन्स में अनेक प्रकार हैं। एरोप्लेन विमान, इसे तकनीकी भाषा में फिक्स विंग एयरक्राफ्ट भी कहते हैं। रोटोक्राफ्ट या रोटोरक्राफ्ट, इसमें घूर्णन करने वाले पंखे होते हैं। इन पंखों के ब्लेड्स एरोफोइल वाले सेक्शन के होते हैं। हेलीकॉप्टर, ऑटोगैरो, ये सब एरोडाइन्स के अलग अलग उदाहरण हैं। डैनियल बर्नौली 18वीं सदी के स्विस वैज्ञानिक थे। इनके सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे किसी तरल पदार्थ की गति बढ़ती है, पदार्थ का दबाव घटता जाता है। इसे वेंटिलेटरी ट्यूब की सहायता से सिद्ध किया जा सकता है। इस ट्यूब का मध्य भाग दोनों ओर के छोरों की तुलना में संकरा दिखाई देता है। इसमें किसी पदार्थ को डालते ही मध्य भाग से गुजरते हुए पदार्थ के अणुओं की गति बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अधिक ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। हम देख सकते हैं कि ट्यूब में दबाव कहीं ज्यादा है तो कहीं कम। इसे बर्नौली के प्रेशर डिफरेंशियल का सिद्धांत या दबाव के विभिन्नता का सिद्धांत कहते हैं। विमान की उड़ान में बहुत सारे बल मदद करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें इन मददगार बलों को समझ लेना चाहिए। नेहरू विज्ञान केंद्र के इस दीर्घा में इन सिद्धांतों को आसानी से समझने के लिए बहुत सारे मॉडल रखे हुए हैं। विमान जब रनवे पर स्थिर अवस्था में हो या फिर हैंगर में हो, उस समय भी एक बल काम कर रहा होता है जिसे वजन कहते हैं। ये नीचे की तरफ लगने वाला बल है। ये बल विमान के ढांचे का वजन और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बीच के तालमेल पर काम करता है। पर जब ये एयरबॉर्न हो या फिर यूं कहे कि उड़ान पर हो, तब उस पर अन्य प्रकार के बल भी काम करते हैं। लिफ्ट बल विमान के पंखों और हवा का प्रवाह इनके आपसी प्रक्रिया पर काम करता है। इस बल के बिना विमान जमीन से ऊपर उठ ही नहीं सकता। इतना ही नहीं, ये बल उसे अपनी ऊंचाई बनाए रखने के लिए भी मदद करता है। इसलिए विमान उड़ान में ये बल सबसे महत्वपूर्ण कहा जाता है। थ्रस्ट यानी विमान को आगे की ओर धकेलने के लिए इस बल का प्रयोग होता है। ये बल विमान को खासकर उसके इंजन से प्राप्त होता है।
ड्रैग यानी खींचना। खींचने से संबंधित इस बल को एक तरह से नकारात्मक बल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि धकेलने की प्रक्रिया के बिल्कुल विपरीत दिशा में ये काम करता है, आगे बढ़ने की गति में बाधा डालता है। इसीलिए इसका उपयोग लैंडिंग के समय किया जाता है। जमीन को स्पर्श होते वक्त विमान की गति में अवरोध डाल उसे रोकने में सहायता करने के लिए। इन सारे बलों का उपयोग ठीक ढंग से हो इसलिए विमान में कई और उपकरण लगे होते हैं, जैसे विमान के ये पंख। विमान के पंख उनकी उपयोगिता को सामने रखते हुए विशेष रूप से डिजाइन किए जाते हैं, जिन्हें एरोफॉइल कहते हैं। एरोफॉइल के सामने वाले किनारे को लीडिंग एज कहते हैं। हवा जब लीडिंग एज से टकराती है तो वो दो परतों में अलग होकर बहने लगती है। पंख के ऊपरी और निचली दोनों सतहों पर अलग होकर बहती है। पंख के ऊपरी सतह वाली हवा जो होती है उसे लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि निचली सतह वाली हवा कम दूरी तय करती है। ट्रेलिंग एज से हवा का प्रवाह बाहर की ओर हो जाता है। कॉर्डलाइन, हम इसे ट्रेलिंग एज और लीडिंग एज को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कह सकते हैं। कॉर्डलाइन और अंदर आने वाली हवा का प्रवाह, इनके बीच के कोण को एंगल ऑफ अटैक कहते हैं। मैं जानती हूँ बच्चों, तुम सब ये जानना चाहते हो कि आखिर पंख विमान को उठान यानी लिफ्ट कैसे देते हैं। लेकिन ये जानने के लिए हमें सर आइजैक न्यूटन के पहले और तीसरे गति के नियमों की ओर ध्यान देना होगा। तुम्हें से कौन बता सकता है न्यूटन का पहला सिद्धांत? जड़त्व का सिद्धांत। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह तब तक स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। बहुत अच्छा। न्यूटन का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। यदि एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरा वस्तु उसी वस्तु पर विपरीत दिशा में बल लगाती है। बिल्कुल सही। विमान के पंखों पर हवा की जो कार्रवाई होती है उसे हम क्रिया कहेंगे, और इसके कारण विमान में जो लिफ्ट यानी उठान पैदा होती है उसे हम प्रतिक्रिया कहेंगे। लेकिन बच्चों, इन सब में एक चीज को समझना बहुत जरूरी होता है कि विमान में लगे विभिन्न प्रकार के हाई लिफ्ट यंत्रों में जिस प्रभाव का उपयोग होता है उसे कोंडा इफेक्ट कहते हैं। फ्लैप्स और जेट शीट की मदद से ये हाई लिफ्ट यंत्र पंख के ऊपरी हवा की दिशा को नीचे की तरफ मोड़ देते हैं। तेज गति की हवा का रुख बदलने से गति में और तेजी आ जाती है और विमान ऊपर की ओर उठ जाता है। इस तकनीक का पहला प्रयोग अमेरिका के वायुसेना ने किया था। कैम्बर शब्द का प्रयोग ज्यादातर इंजीनियरिंग के सिद्धांतों के विषय में किया जाता है, पर हवाई जहाज के मामलों में कैम्बर शब्द का प्रयोग लिफ्ट को बनाते समय खींचने के प्रभावों में किया जाता है। कैम्बर के प्रभाव की वजह से निचले स्तर के चारों ओर की हवा उच्च दबाव को प्रभावित करती है और उच्च स्तर की चारों ओर की हवा निम्न दबाव को, और इसे हम बर्नौली के सिद्धांत में अच्छी तरह से समझ चुके हैं, है ना? विंड टनल यानी वायु सुरंग, इसे हम एक प्रयोगक्षम सुरंग भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग आकार के एरोफॉइल्स की जांच की जाती है। एरोफॉइल को इसके परीक्षण विभाग में रखकर हवा से प्रभावित किया जाता है। हवा उत्पन्न करने की दृष्टि से इसके सुरंग में पंखों की श्रृंखला लगाई जाती है। एरोफॉइल्स पर हो रहे हवा के प्रभावों को परखकर उसका अध्ययन किया जाता है। सैद्धांतिक परिणामों से इसकी तुलना की जाती है जिससे बेहतर एरोफॉइल्स का निर्माण हो सके। ये हवाई जहाज की इंजन है। इंजनों का काम विमान को धक्का देकर आगे बढ़ने में सहायता करना होता है। आमतौर पर यात्री विमान में कम से कम दो इंजनों का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी कारणवश एक इंजन में खराबी आ जाए तो दूसरा इंजन ये काम संभाल लेता है। वैसे हवाई जहाज में इंजनों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कितने थ्रस्ट यानी
धक्के की जरूरत है। एक हवाई जहाज में सबसे ज्यादा इंजनों का आज तक का विश्व रिकॉर्ड 8 इंजनों का है, जिसे विमान के दोनों पंखों पर 4-4 की संख्या में लगाया जाता है। अब हम ये देखेंगे कि आखिर इतने बड़े विमान को नियंत्रित कैसे किया जाता है। ये काम मुख्यतः 3 अक्षों की सहायता से किया जाता है। विमान को ऊपर नीचे संचालित करने में जो मददगार होते हैं, उसे हम पिच कहते हैं। विमान को दाएं बाएं और घुमाने में जो मददगार होते हैं, उसे हम रोल कहते हैं। तीसरा संचलन यॉ, जिसकी सहायता से विमान दाएं बाएं और मोड़ा जा सकता है। एलिवेटर विमान के पूंछ वाले भाग में स्थित होता है। इसका उपयोग पिच संचलन के दौरान होता है। एलिवेटर के 2 सतह होते हैं, दाई तरफ और बाई तरफ। इसे नियंत्रित करने वाले यंत्र को स्टिक कहते हैं, जो पायलट के सामने ठीक दोनों पांव के बीच स्थित होती है। स्टिक को पीछे की तरफ खींचते ही एलिवेटर ऊपर की ओर उठ जाता है। इससे कैम्बर का प्रभाव कम होता है और जिससे लिफ्ट भी कम होता है। इसी के कारण विमान के आगे का हिस्सा सीधा ऊपर की ओर हो जाता है। और उसी तरह स्टिक को आगे की ओर खींचते ही ठीक इसके विपरीत क्रिया होती है। कैम्बर का प्रभाव बढ़ जाने से लिफ्ट भी बढ़ जाता है और विमान के आगे का हिस्सा नीचे की तरफ हो जाता है। विमान के पंखों पर एलरॉन स्थित होते हैं। इनका इस्तेमाल रोलिंग मूवमेंट को नियंत्रित करने में किया जाता है। एलिवेटर की तरह इसमें भी 2 सतह होते हैं, विमान की दाई तरफ और बाई तरफ। इसमें भी स्टिक का प्रयोग किया जाता है। स्टिक को बाई तरफ घुमाते ही बाया एलरॉन्स ऊपर की ओर हो जाता है, दाया एलरॉन्स नीचे की तरफ। दाएं पंख पर पड़ रहे बल की वजह से विमान बाई ओर घूम जाता है और बाएं पंख पर पड़ रहे बल की वजह से विमान दाई ओर घूम जाता है। रडर, जिसे हम हिंदी में पतवार कहते हैं, ये विमान के पूंछ वाले भाग में स्थित होता है। इसका प्रयोग विमान को दाएं और बाएं ओर मोड़ने के समय किया जाता है। पायलट अपने बाएं पैर से पतवार को बाई ओर घुमाता है और दाएं पैर से दाई ओर। नेहरू विज्ञान केंद्र के इस दीर्घा में ऐसे अनेकों तकनीकी विशेषों को देखने, समझने और परखने का मौका मिलता है, जो शायद कहीं और न मिले। आज के लिए इतना ही। अगली बार विमान से जुड़ी किसी अन्य और दिलचस्प बातों की जानकारी लेंगे।